अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू दिबास किचन। आज मैंने आपके लिए कुछ खास बनाया है और इसे मैंने आपके लिए बहुत ही इजी तरीके से बनाया है। बिना किसी झंझट के आराम से बनाए खास मेहमानों के लिए एक बहुत ही खास डिश, जिसे देखकर सब आपकी तारीफ करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज की रेसिपी पर आते हैं। आज की रेसिपी है पर्दा बिरयानी। बिरयानी तो सब बनाते ही होंगे घर में, तो क्यों ना आज इसे सर्व करने का एक यूनिक तरीका सीखा जाए। मेरे चैनल पे आपको कई तरह की बिरयानी की रेसिपीज मिल जाएंगी। आज हम पर्दा बिरयानी बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक यहाँ पे बेकिंग का बाउल लिया है और ये मैंने एक कप मैदा जो है गूंद लिया है। अब हम मैदे से पर्दा बनाएंगे। आप मैदे को राउंड शेप में बेल लें, उस बर्तन से बड़ा बेलें जिस बर्तन में आप इसे बेक करेंगे। आप इसे गैस और ओवन दोनों में बेक कर सकते हैं। अगर आप इसे गैस पे बेक कर रहे हैं तो आप इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर बेक करें। ये मैंने बेल लिया है। अब हम अपना बेकिंग बोल लेंगे, उसमें हम देसी घी लगाएंगे चारों तरफ। अब हम इस पे कलौंजी को स्प्रिंकल कर देंगे। अब हम बोल को मैदे से कवर कर देंगे अच्छे से। अब इसमें जाएगा धनिया पत्ती। और ये बिरयानी, ये 80% कुक किया हुआ बिरयानी है। बिरयानी आप जैसे बनाते हैं वैसे बनाएं, बस आपको उसे 80% तक कुक करना है। बिरयानी की रेसिपी मेरे चैनल पे मिल जाएगी। बोल में आप पूरी तरह से बिरयानी को फिल कर दें, उसके बाद आप इसे चारों तरफ से बंद कर दें। थोड़ा थोड़ा पानी लगाएं ताकि ये अच्छे से चिपक जाए, बेक करते वक्त ये खुले ना, और इसे अच्छे से पैक कर दें। अब इसे आप हाथ से हल्का हल्का प्रेस करें ताकि ये चारों तरफ अच्छे से फैल जाए। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब हम इसे प्री हीटेड ओवन में डालकर 180 डिग्री पर 15 से 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। अगर आप इसे गैस पे बना रहे हैं तो भी आपको 15 से 20 मिनट ही बेक करना है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से बेक हो चुका है। अब आप इसे जिस प्लेट में सर्व करना है उस पे आप इसे निकाल ले। अब आपको इसी तरह से सर्व करना है मेहमानों के सामने, और मेहमान के सामने इसे कट करके फिर आप इसमें से बिरयानी निकालें। मैदे का जो हमने पर्दा बनाया था वो मैंने पतला बेला था, बहुत ज्यादा मोटा उसे ना बेले। तो ये देखिए, है ना ये बिल्कुल यूनिक तरीका बिरयानी सर्व करने का। आप इसे एक बार बनाइए, आपकी बहुत वाहवाही होगी। तो इस रेसिपी को इस बकरायद आप जरूर ट्राई करें। इंशाल्लाह दोस्तों, जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।